चलिए बच्चों, अभी हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन को डिस्कस करते हैं पुली सिस्टम के ऊपर। ठीक है, देखो जरा ध्यान से भाई, ये है हमारे पास में पुली। ओके, ओवर द पुली, पुली के ऊपर से एक रस्सी को ऐसे पास कराया और एक ब्लॉक को हमने यहाँ से कनेक्ट किया, एक ब्लॉक को हमने यहाँ से कनेक्ट किया और एक ब्लॉक हमारा यहाँ से जुड़ा हुआ है। बच्चों देखो, कंडीशन कुछ ऐसी है स्टूडेंट, अब कितने भी ब्लॉक जुड़े हुए आ जाएं, आपको तो प्रॉब्लम का ध्यान रखना है बस कि भाई कैसे हमें प्रॉब्लम बनानी है। डेटा क्या है हमारे पास में, यहाँ का जो मास है वह है 5 किलोग्राम, यहाँ का मास है 2 किलोग्राम और यहाँ का मास है 1 किलोग्राम। समझ आ रही बात? ये डेटा हम लोगों को दे रखा है, हमें ये बताना है कि कौन सी बॉडी जाएगी ऊपर और कौन सी बॉडी जाएगी नीचे, जिससे कि हम लोग ये बता सकें कि एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी रहने वाली है। बच्चों अब आप ये देखो, इस बॉडी का मास है 5 किलोग्राम और इन दोनों बॉडी को मिलाकर भी 5 किलोग्राम नहीं होता है। बच्चों इस अकेली बॉडी का मास 5 किलोग्राम है और इन दोनों को मिलाकर भी 5 किलोग्राम नहीं होता है, तो इसका मतलब डेफिनेटली हम ये कह सकते हैं कि ये बॉडी हमारी भारी है और भारी वाली बॉडी ए एक्सीलरेशन से नीचे जाएगी और ये दोनों बॉडी हल्की हैं, ये दोनों बॉडी ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी। बच्चों ये बॉडी भारी है, ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जाएगी और ये दोनों बॉडी हल्की है, ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी। बच्चों मैंने माना कि यहाँ जो टेंशन आने वाली है वो टी है। देखो यहाँ से रस्सी स्टार्ट होकर, यहाँ से रस्सी स्टार्ट होकर, यहाँ से रस्सी स्टार्ट होकर यहाँ ख़त्म होती है, यानी यहाँ से स्टार्ट होकर रस्सी यहाँ ख़त्म होती है, तो इधर भी सेम टेंशन आएगी और इधर भी सेम टेंशन आएगी। टेंशन की जो डायरेक्शन रहती है ना बच्चों, ये जो एरो का साइन मैंने ऊपर की तरफ बनाया है, टेंशन की डायरेक्शन रहती है पुली की तरफ, टूवर्ड्स द पुली, पुली की तरफ टेंशन की डायरेक्शन रहेगी। आप लोग ध्यान रखेगा अच्छे से, यहाँ जो टेंशन आएगी हमारे पास में ये टेंशन कहलाएगी T1, यहाँ जो टेंशन हमारे पास में आने वाली है ना स्टूडेंट, इस टेंशन को हम लोग नाम देंगे T1। तो भैया ऐसा है, मैंने बता दिया कि कहाँ क्या काम करने वाला है, ये ब्लॉक भारी है, ये नीचे जाएगा, ये दोनों ब्लॉक मिलाकर भी इससे हल्के हैं, ये दोनों ब्लॉक जाएंगे ऊपर। समझ में आ रही बात? यहाँ टी टेंशन काम कर रही है, यहाँ भी टी टेंशन काम कर रही है और चूंकि यहाँ स्ट्रिंग चेंज हो गई है, रस्सी बदल गई है, इस रस्सी का यूज़ नहीं किया, कोई और सी स्ट्रिंग है इन दोनों ब्लॉक्स को जोड़ने के लिए, इसीलिए यहाँ टेंशन भी बदल गई है, एक स्ट्रिंग के अंदर बीच में गैप आ गया है, यानी अलग रस्सी हम लोगों ने यहाँ लगाई है, इसीलिए टेंशन बदल गई है। अब इनमें से एक एक ब्लॉक को हम लोग उठाते हैं। देखो भैया, सबसे पहले जिस ब्लॉक को हम लोगों ने उठाया, इसका मास है 5 किलोग्राम, इस 5 किलोग्राम पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है टी, ध्यान से, और नीचे की तरफ काम करेगा मास इंटू ग्रेविटी यानी 50। ऊपर की तरफ काम कर रहा है टी, नीचे की तरफ काम करेगा मास इंटू ग्रेविटी और बॉडी जा रही है नीचे ए एक्सीलरेशन से। क्या इक्वेशन बनेगी? दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक ऊपर की तरफ काम कर रहा है, एक नीचे की तरफ काम कर रहा है, और बॉडी कहाँ जा रही है? बॉडी जा रही है नीचे। तो इक्वेशन बनेगी हमारे सामने बच्चों ये, 50 माइनस के टी इज इक्वल टू 5A, इक्वेशन नंबर 1। हमने नीचे वाले फोर्स में से ऊपर वाले फोर्स को माइनस करके मास की मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन से कर दी है, ये हमारी इक्वेशन तैयार हो गई है बच्चों। 50 माइनस के टी इज इक्वल टू 5 × वे, 50 में से टी को माइनस करके 5 की मल्टीप्लाई हम लोगों ने एक्सीलरेशन से कर दी है, ये हमारी इक्वेशन रेडी हो गई है बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि समझे होंगे आप बात, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब दूसरे ब्लॉक को हम लोग उठाते हैं। देखो इस बार हमने ये वाला ब्लॉक उठाया, 1 किलोग्राम वाला ब्लॉक हम लोगों ने बच्चों उठाया, और देखो ये जो 1 किलोग्राम का ब्लॉक है ना आपके पास में, ये जो 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, इस 1 किलोग्राम से ऊपर की तरफ ये एरो जा रहा है और इस एरो का नाम है T1।
एरो का नाम है टी वन, नीचे काम करेगा मास इंटू ग्रेविटी यानी 10 न्यूटन। ये वाली बॉडी अगर नीचे जाएगी तो डेफिनेटली ये वाली बॉडी ऊपर जाएगी, ये बॉडी जाएगी ऊपर ए एक्सेलरेशन से। तो हमारे पास में इक्वेशन बनेगी टी वन बॉडी कहाँ जा रही है ऊपर, सो टी वन माइनस के 10 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन यानी ए। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास में कंडीशन तैयार हो गई है बच्चों, और हम लोगों ने इसे नाम दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड का, हमने इसे नाम दिया है इक्वेशन नंबर सेकंड। इस बॉडी पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है टी वन, नीचे की तरफ काम कर रहा है 10, बॉडी जाएगी ऊपर, ये इक्वेशन हमारे पास में रेडी हो जाएगी। अब 2 किलोग्राम के लिए हम लोग बनाते हैं बच्चों, जो तीसरी बॉडी है हमारी उसका मास है 2 किलोग्राम। देखो इस 2 किलोग्राम से ऊपर की तरफ काम कर रहा है टी, 2 किलोग्राम पर ऊपर की तरफ जो काम कर रहा है ना स्टूडेंट वो टी काम कर रहा है, 2 किलोग्राम से नीचे की तरफ काम कर रहा है टी वन, और नीचे की तरफ काम कर रहा है मास इंटू ग्रेविटी यानी 20 न्यूटन, और ये 2 किलोग्राम ए एक्सिलरेशन से जा रहा है ऊपर, ये 2 किलोग्राम ए एक्सिलरेशन से ऊपर जा रहा है। तो कैसे बनेगी इक्वेशन, इस बात पर आप लोग ध्यान दीजिए, इक्वेशन कैसे बनेगी, 2 किलोग्राम पर ऊपर की तरफ काम कर रहा है टी और नीचे की तरफ काम कर रहे हैं 2 फोर्स, तो हम ऊपर वाले फोर्स में से नीचे वाले 2 फोर्स को माइनस करेंगे और मास की मल्टीप्लाई एक्सिलरेशन से करेंगे, रिजल्ट बनेगा हमारे पास में ये, क्योंकि बॉडी कहाँ जा रही है ऊपर, तो ऊपर में से नीचे वाले को माइनस करेंगे, टी माइनस के टी वन माइनस के 20 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सिलरेशन, और इसे हम लोगों ने नाम दिया बच्चों इक्वेशन नंबर थर्ड, हमने इसे नाम दिया है इक्वेशन नंबर थर्ड। इस ब्लॉक के लिए फर्स्ट इक्वेशन, इस ब्लॉक के लिए सेकंड इक्वेशन, और इस ब्लॉक के लिए थर्ड इक्वेशन। अब हमें एक काम करना है बच्चों, इक्वेशन वन इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री को, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, इन तीनों इक्वेशंस को आपस में ऐड कर देना है। जैसे ही इन तीनों इक्वेशंस को हम आपस में ऐड करेंगे क्या रिजल्ट हमारे पास में बनेगा, इस चीज़ को आप लोग समझिए। देखो जब इसे इसे और इसे हम लोग ऐड करेंगे, यहाँ t माइनस का है यहाँ t प्लस का है, ये इससे कैंसिल आउट, यहाँ t1 प्लस है यहाँ t1 माइनस है, ये इससे कैंसिल आउट, और 50 में से 10 और 20 को माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 20, इसमें ये और ये ऐड करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 8a, सो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू 20/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्सिलरेशन, ये हमारी एक्सिलरेशन की वैल्यू निकल कर आएगी बच्चों। इस एक्सिलरेशन को उठाकर यहाँ रखेंगे, यहाँ निकल जाएगी टेंशन, टेंशन और एक्सिलरेशन दोनों हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। फिर आप एक काम करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को या एक्सिलरेशन को यहाँ रखेंगे, यहाँ से टी वन निकल जाएगा आपका, सो टी वन एक्सिलरेशन और टी सब कुछ निकल जाएगा, एक्सिलरेशन मैंने निकाल दिया है, बाकी काम आप लोग अपने आप करें। एक्सिलरेशन को एक बार यहाँ रखें तो टी निकल जाएगा, और एक बार यहाँ रखेंगे तो टी वन निकल जाएगा बच्चों, ठीक है, करिए नोट डाउन, फिर हम लोग बात करते हैं।